डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पिछले क्लास में टॉपिक्स दिए थे फॉर्मिक अम्ल के बारे में पढ़ने के लिए। फॉर्मिक अम्ल, इसी को हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल का निर्माण होता कैसे है, इसका निर्माण, इसका गुण, इसके अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं निर्माण के बारे में। ठीक है, निर्माण, फॉर्मिक अम्ल के निर्माण के बारे में लिखा जाए। जब हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड को जब हाइड्रोजन साइनाइड को जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब HCN को वाटर के साथ यानी कि H2O और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को फॉर्मिक अम्ल बनता है, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? HCOOH, ठीक है, और बाद बाकी इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? NH4Cl, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हम लोगों को हाइड्रोजन साइनाइड, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देते हैं। देखिए, ये है हम लोगों को हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCN, और वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हम लोगों को फॉर्मिक अम्ल बनता है। HCOOH इसका फार्मूला होता है। NH4Cl प्रोडक्ट के दौरान बाहर निकलता है। तो अगर कोई पूछेगा कि फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड को वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तीनों को, तब हम लोगों को फॉर्मिक अम्ल बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा में हम लोग लिखेंगे गुण के बारे में कि आखिर फॉर्मिक अम्ल के गुण क्या क्या हैं। लिखा जाए फॉर्मिक अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। फॉर्मिक अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। फॉर्मिक अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। पहला, यह तीखी गंधयुक्त वाला होता है। यह तीखी गंधयुक्त वाला होता है। दूसरा, यह एक रंगहीन द्रव है। यह एक रंगहीन द्रव है। तीसरा, यह जल एल्कोहल तथा ईथर। यह जल एल्कोहल तथा ईथर में घुलनशील होता है। में घुलनशील होता है। और चौथा गुण लिखा जाए, फोर्थ, इसमें एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक मूलक
इसमें एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक मूलक उपस्थित होते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई सा भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसका निर्माण, उसका गुण, उसके अभिक्रिया के बारे में हम लोग जरूर जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग फॉर्मिक अम्ल के गुण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले इसके गंध जो है बहुत तीखी होती है, ठीक है, मिर्चा जैसी तीखी गंध होती है। और यह एक रंगहीन द्रव है। अक्सर हम आपको पहली आइडिया दे चुके हैं, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड रंगहीन ही होते हैं, जिसका कोई कलर नहीं होता है। तीसरा कि यह किसमें किसमें घुलता है और इसको छोड़कर किसमें बाकी नहीं घुलता है। तो बात किया जाए तो जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से ये घुलनशील होता है। और बाद बाकी किया जाए तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक का जो मूलक है इसमें मौजूद रहते हैं, यानी कि एल्डिहाइड भी मौजूद होते हैं और कार्बोक्सिलिक मूलक भी मौजूद होते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे पॉइंट में, अभिक्रिया के बारे में। तीसरा पॉइंट अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के साथ करेंगे। पहला करेंगे हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ठीक है। अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया कौन सा है? PCl5। PCl5 को क्या बोलते हैं? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। तो PCl5 के साथ करेंगे तो क्या क्या होगा, जरा नीचे लिखा जाए। जब फॉर्मिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया कराया जाए तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। जब फॉर्मिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फॉर्मिल अम्ल का निर्माण, फॉर्मिल, देखिए ये फॉर्मिक है, हम बोल रहे हैं फॉर्मिल अम्ल, फॉर्मिल, ठीक है, फॉर्मिल अम्ल का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन देखिए, तो फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCOOH, ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल है। इसके साथ किसका रिएक्शन? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मिल क्लोराइड किसको कहेंगे? तो फॉर्मिल क्लोराइड का फार्मूला होता है HCOCl, यही है हम लोगों को क्या, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ और भी बार होता है, POCl3 बनता है प्रोडक्ट में और बनता है हम लोगों को HCl, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोग फॉर्मिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मिल अम्ल बनेगा। और फॉर्मिल अम्ल का फार्मूला क्या? HCOCl। इसके साथ POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों को पहली अभिक्रिया किसके साथ, तो PCl5 के साथ। दूसरा अभिक्रिया का बात करें, यानी कि नंबर बी अभिक्रिया, ये हम लोगों का नंबर ए था PCl5, इसका बी दे देंगे। बी में हम लोग लिखेंगे अमोनिया के साथ, अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला पता है आपको, NH3 होता है। अमोनिया के साथ यानी कि फॉर्मिक अम्ल को जब हम लोग अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, लिखा जाए। जब फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो
अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। और अमोनियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या होता है? HCOONH4, COONH4, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि अमोनिया के साथ कराने पर क्या बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या, तो अमोनिया के साथ किसका फॉर्मिक अम्ल, तो HCOOH, ठीक है, अमोनिया के साथ NH3। उसके बाद ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ कराएंगे, अमोनियम फॉर्मेट बनेगा, अमोनियम फॉर्मेट का HCOONH4, ठीक है। ये है हम लोगों का अमोनियम फॉर्मेट, ठीक है। और इसके इसके बाद क्या बाहर होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे HCOONH4, यही है हम लोगों का अमोनियम फॉर्मेट। बाद बाकी कुछ बाहर नहीं होगा, सभी को मिला देना है, HCOO और ये H यहाँ जोड़ देंगे तो NH कितना हो जाएगा, 4। इसी को बोलते हैं हम लोग अमोनियम फॉर्मेट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम फॉर्मेट। चलिए सी नंबर अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करें तो H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे विक्रिया तो क्या क्या होगा, जरा देखते हैं। लिखा जाए फर्स्ट एरो, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए यहाँ में हम लोग रिएक्शन को देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कब, सॉरी फॉर्मिक अम्ल को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ना सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नहीं, यहाँ पे उपस्थिति में कराया जाता है, एक मिस्टेक हुआ है, उपस्थिति में। चलिए फिर से हम मिला लीजिएगा जो लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे के साथ का मतलब होता है कि उसके साथ रिएक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन के उपस्थिति में बोलेगा तो एक तरीके का उत्प्रेरक के फॉर्म में उसको समझा जाता है, ठीक है। तो सी नंबर में हम लोग क्या देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यानी इसमें एरो में जो लिखे हैं उसको ध्यान से फिर से मिला लीजिए। लिखा जाए जब फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ऐसे लिखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, उपस्थिति बोला जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, किसके उपस्थिति में भाई, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बन रहा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो CO2, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में वाटर बाहर हो जाता है, तो यही है हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हम लोग जितना भी फॉर्मिक अम्ल पढ़ रहे थे, फॉर्मिक अम्ल में टोटली हम लोग पूरी तरीके से कंफर्म कर लिए। चलिए हम लोग अगले टॉपिक्स को देखेंगे जिसका नाम है
एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग फॉर्मिक अम्ल को पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।